लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ले दस दस पैसा, अब तुम लोग अंजा। अरे हरामी के औलाद, अरे हमरा रसरी से बांध दो और ओकरा बाद हमरा मैया से दस दस पैसा मजूरी लेते हो। अरे सरू बाहर मिल जाइयो तो मार मार के चुप करम जले। देर चर्बी चढ़ गए, हाँ जहाँ देखो वहाँ दंगा फसाद मार पिटैया। अब देखी कौन माई का लाल बचावे आई तुम का? ए माई, हमका खोल दे, हमका गुस्सा चढ़ गई तब। नहीं नहीं, अब ये रस्सी कल सवेरे खुल ली। हमार लाड प्यार तो है ऐसा खराब कर दई कि तू पुलिस वाले से झगड़ा कर ला। अरे वो काका जब चाहे जेल में बंद कर दे, तब छुड़ाने पहुंच जाए तो हर बाप रोज रोज लड़ाई झगड़ा करके चोट चपेट खाई के आवत है, और तुहर तो माए रोज हल्दी पिसकर लगावत है। और कोनो काम तो तुहर तो माई को कोई नहीं। अरे हट, हटाई लो अपना हाथ, नहीं चाहिए दबा हुआ। ऐसा जाली मातम कहियो नहीं देखा। सवेरे से भूखा बैठा है, अनाज के तनिको दाना भी नहीं गवा पेट में, और ऊपर से डॉक्टराइन बनी। अरे राहे दे बिटवा, ये नौटंकी हम ढेर दिखले हैं। तू तो अभी माँ का बिटवा है, हम तुहार नस नस जानत है बेटा। भूख लगल है, इली ज्वारी की रोटी निखा ले। ए माए, खोल देना। नहीं। ए मैया, बहुत तकलीफ होता, दे दुखाते खोल। रस्सी नहीं खुली। नहीं खुली, नहीं खुली, नहीं खुली। तू नहीं खुली तो जा, कर्म फूट जावे हमारा। जात है, जब भुक्कन मरे लगवे तब पुकार ली है। आज तो हम हो जीत धर लाए हैं। अब भाई माँ के लाड़ प्यार देख ले हैं, गुस्सा नहीं। अरे आज वो ना होई कि तू ना खाइबे तो हम हो ना खाइबे। तनिक सोचो, दिन भर काम करके मेहनत मजदूरी कर करके थक के चूर हो जाते हैं, हम काहे को ना खाई? तू खा या ना खा। हाँ ए मुझो से ए टुकड़ टुकड़ का ताकत है रे, यहाँ कोई रामलीला होत है? नहीं रे, किसन लीला? अरे ओ लीलावती की बिटिया भाग। अरे ससुरी गुलाबो भाग कर जाएगी भी कहाँ, इस ससुरे गोविंदा की चौखट तक ना। ए गुलाबो, ये हार किसका हो? तुहार हो? अपना ही है रे, तेरी तरह चुरा के नहीं लाई हूँ चोटे, मामा की तिजोरी से निकाल के लाई हूँ। अरे ये गोविंदा। मैया। गोविंदा कुछ खा ले रे बेटा, तू तो हमरा के बड़ा दुख दे थे, हम तो परेशान होएगा। इतना बड़ा होएगा गोसाई जाने माथा में कब अकल आई। तुहार बाबू भी ऐसा ही जिद्दी रहे। हमका तो बड़ा डर लागत हो किसना बेटा, कहीं राजा को ई बात का पता लग जाए कि हम रातों रात सारा अनाज मंडी में पहुंचा दिए हैं, तो बड़ा गजब हो जाए। अरे काका, भगवान जाने हम किसानन का डर दिल से कब जाए। जमीन हमार, खेती हमार, मेहनत हमार, उनका फल राजा ले जाए। हमका ये भी पता नहीं कि हमारा अनाज मंडी में का भाव बिकत है, हमरे पसीना की का कीमत है, का कीमत है हमरे पसीना की। ये तो सच कहत हो किसना बेटा, आज तो हम मंडी का भाव सुन के दंग रह गई। अरे अभी तो और दंग रह जाओगे, जब कुल गांव का अनाज बेचे 70 किसान और आए हैं। तुम्हारा मतलब है राजा से विद्रोह करेंगे? अरे ही विद्रोह नहीं काका, ये तो किसान जाग उठे हैं। अरे ये तो कृष्णा और उसकी बीवी गंगा के इरादों का फल है, वरना राजा तेरे को गन्ने की फाग बनाकर फेंक देता। हाय दया, हम तो डराई गए। अरे शेरनी जैसी जुरुआ, शेर का पंजा नहीं पहचानत? जानत नहीं तो का। बाबा बाबा, माँ ने मेरे वास्ते बस्ता लाई। अरे बस्ता लाई, हमार गौतम अब स्कूल पढ़े जाई। और नहीं तो का, तुहार जैसा अंगूठा लगावत रही। चुप जातन। हम तो देहातन रही, और तू बड़ा साहब आया। नाराज हो गई? देख देख कितना बढ़िया फोटो आया, कितनी जल्दी मिल गया देख। अरे फोटो तो बढ़िया है, पर जानत ही का पैसा लगत है? नहीं। ई बाजार का मंडी तो बड़ा महंगा है, और गौतम साथ रहे तो बस फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश। एक बेटा बहुत महंगा लागत, अभी तो दूसरा आने वाला है। चेक के सामने तो शर्म कर। बेटा गौतम ये बात बताओ, तुहार के दूसरा भाई चाहिए? हाँ हाँ, तुम ला दोगे बाजार से? अरे बाजार से काहे रे, हम तो घर में बना देंगे। काहे शर्मा गई? कृष्णा भैया, राजा के आदमी लोग हमारे अनाज को आग लगाने आए हैं।
गौतम को लेके भागी जा। नहीं, मैं तो क्या अकेला छोड़ के ना जाए। तो हमारी कसम भाग जा। सूरज की कड़कती धूप में पसीना भाई भाई के ना जुगा ये सरकार। उमें आग लगाओगे उई में भून दिए जाओगे। यही चुप कर बैठे रहे, कहीं जाना नहीं। अरे चुप, हराम खोर, राम कसम, साम कसम, अरे जमराज कसम खा, ज्यादा प्रबल किए सरो तो वही भगवान के पास भेज दियो। गोविंदा, ए ए गोविंदा, देख बोलती हूँ छोड़ दे मामा को, छोड़ छोड़ दे। राम दादी, अरे तू चुप रह कलमुई। अरे कलमुआ तू, तेरा बाप कलमुआ हरामी हमारे घर में जकंदी डालने आया है। गंगा माँ को जाके बोलूंगी तो फिर देखना। का हमका माँ से कहेगी? हाँ। अरे कलमुई, बाप का नाम लिया तो दोनों हाथ तोड़ के रख दू, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। हट रे चोटे, इन चूड़ियों पे मत जाना, ये हाथ अब भी तेरे जैसे चार मुस्टंडो को संभाल सकते। अरे का बात है रे ससुरी, हमका बता दे सच सच, वो हार कहाँ है बोल। मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगा, बोल क्या बोलता है। ठहर तो। देख गुलाब, औरत जात से लड़ना गोविंदा का सान नहीं है, चुपचाप वो हार हमका दे दे। तेरे में दम है तो ले, देखती हूँ। आराम खोर, करम जली, दम का बात कर रहे थे। अरे मामा की तरह लटकाए थे हम तो। अरे चल चल, तेरे जैसे बहुत देखे। अरे तो ये भी देख ले, करम जली हमका उहार दे दे, हमका हार दे दे गुलाबो। कितना खूबसूरत लग रहा है रे, आना पहले गले में फिर हार भी ले लेना। जाता कहाँ है रे, गुलाबो को भी साथ ले जाना, मामा के सारे हार तेरे हो जाएंगे। अरे बेशरम बेहया कर्मचारी, मुझे उसी शरम नहीं छोड़ती। अच्छा बाबा ये ले, तेरे प्यार की खातिर हार वापस दे दिया, लेकिन एक शर्त है। अरे ये हार का कोनो शरत ना है। गोविंदा, अरे वो हार मत लेके जाना गोविंदा, मैं राजा साहब को बता दूंगा। अरे भार में गवा तू, अब भार में गवा तो हार राजा साहब। हट। अरे गोविंदा मुझे नीचे तो उतार के जा। दरोगा बाबू, मैं तुम्हें लाला के घर चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ गोविंदा। आई देखो। अरे अपन जान का फिक्र करो दरोगा बाबू, दो दिन का मेहमान हो, नन्ही सी जान हो, जाके चौकी संभालो, चौकी अपन। ये नन्ही सी जान तुम जैसे राक्षसों को कैसे संभालती है, यही तो मुझे पूरे गांव को समझाना है। ओह।
तमंचा। हे, अरे दरोगा का बच्चा बंदूक का निशाना दिखाए कि हमका जेल में डाला था। अरे काहे को अपन मौत बुलावा था रे ससुरा। अब देखता हूँ कौन आता है तेरा हिमायती। तो 50 बार सब्र किया मैंने, बुला अपने हरामजादों को, एक एक को ठीक नहीं किया तो। दरोगा साहब, हमारे बेटे को छोड़ दो, हमारे बेटे को छोड़ दो। दरोगा साहब, दरोगा साहब, इनको विद्या की बात हर आगे फरियाद कर रहे थे। मुझे किसी की फरियाद नहीं सुननी। आप लोगों ने मेरा सब्र देखा है, गुस्सा नहीं, चली जाओ यहाँ से। माई दरोगा साहब, नहीं ऐसा कठोर ना बनो, अपना मां समझ लो, हमारी विनती मान लो। मेरी कोई माँ नहीं, कोई भाई नहीं, इस गाँव में सबके सब जहरीले सांप है, जंगली। बेटे को छोड़ दो, हमारे गोविंदा को छोड़ दो। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। लायक कमीने, अपन माँ के ई दिन दिखावे के रहे, ई दिन दिखावे के रहे। ऐसे अच्छा रहा तू अपन माँ के काल कोठन में बंद कर दे। एमा, एमा, यहाँ ना, यहाँ ना, ये दरोगवा के सामने ना ही माँ। चल तू घर। अरे ये दरोगवा के तो हम देख लेगा। चुप रे कमीने। दूसरों के सुख के लिए अगर खुद को दुख पहुँचे तो उसका आनंद भगवान की पूजा से भी बढ़कर है। तुम्हारी माँ ने इतने वर्ष सब्र और दुख से काटे हैं किसी उम्मीद पर, और अब वो उम्मीद तुम हो। इस गांव की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करना अब तुम्हारा पहला फर्ज है। गौतम, वक्त आने पर मैं खुद आऊंगा और तुम्हें तुम्हारी माँ और भाई से मिलाऊंगा। जानता हूँ तुम्हारा ये इम्तिहान मुश्किल है, पर मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। तुम्हारा फादर रॉबिन्सन। काम समझ ले के गंगा का बहादुर बेटा गोविंदा हमेशा के लिए बुजदिल हो गया है। बुजदिली गोविंदा का वास्ते मौत है राजा साहेब, हमका तनिक मोहलत और दे दो। ई काम गोविंदा खुद करेगा, और ई बारो के इंसान लोगन से नहीं राजा साहेब, जानवरन से मरवा दिए। लेटे रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, आप जैसन बड़ा साहब, हम गरीब लोगन का पैर छुवे ये ठीक नहीं। बेटा बेटा कहकर माँ के पांव छूने का अधिकार तो ना छीनिए माँ जी। संध्या तो हर बड़ाई ठीक ही करत रहे। आय राम, कौन बात है तुहार? बस कुछ नहीं माँ जी, वो यूं ही एक जख्मी जानवर छू गया था। ये गाँव वाले तो ही बड़ा ही सताए है, यहाँ के लोग ठीक नहीं बाबू। सब ठीक हो जाएगा माँ जी,
उनकी बुराई दूर करने के लिए गंगा जैसी माँ भी तो है। अरे बेटा, तो हर जैसे विचार वाले दरोगा साहब आ गई तो कुल ठीक ही हो जाए। अरे हाँ, का नाम बताए तोहर? गौतम। गौतम? गोविंदा के बड़े भाई का नाम भी गौतम रहे। वो फोटो देखा था वा? वो है हमार गौतम। जब गोविंदा हमार पेट में रहे तो गौतम हमसे बिछड़ गवा। आज वो हमार पास हो तो खूब बढ़िया जोड़ी जमती, गौतम गोविंदा की। हाँ, गौतम गोविंदा का खूबे बढ़िया जोड़ी जमी। जमाई लो, खूब कमाई है। अरे अब ये रंधक दिखाओ था हमका, दुश्मन का बुलावा तो बैठवे आओ तो। अरे अब देरी कोना बात का है, चाय पानी पिलाओ सरों के, पुलिस वालन के गोदी में बैठा लो। ए गोविंदा, बहुत जबान चलावत है, बुरा मत मानना बेटा, जबान का खराब है। बहुत खराब है, जबान का कहा है, सब चीज का खराब है हम। अरे दरोगा बाबू, ऐसा कर रखल है साहब, अपन थाना में जाओ, चोर डाकू लोगन का संभालो, हमार घर द्वार का सुख शांति काहे को बर्बाद करे पे तुले हो तुम। देखो बाबू, दुश्मनी का कोनो बात होवे, दुश्मनी निकाले का होवे तो हमसे बाहर मिल लियो। कहा बाहर मिल लियो हमसे गोविंदा। हाँ हाँ गोविंदा, बोलो कहा करेगा हो, झगड़े का हो, बोलो। चुप रहो, हमने खुद निपट ले। देखो दरोगा बाबू, तुमका इधर आवे का कोनो जरूरत नहीं है, समझे हो? ये हमार घर हो और ये हमार माँ हो, बुझो। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी माँ है। बस थोड़ी सी हल्दी लगने दो, फिर देखो ये जख्म कितनी जल्दी भर जाता है। गोपाला, जो जख्म मेरे दिल में है ना जाने वो कब भरेगा। अरे वो जख्म कभी नहीं भरेगा, जो दूसरों को जख्म देता है भगवान उसे सजा नहीं देगा क्या? गोपाला, इस लड़की से कह दो कि इससे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, तो अब इस लड़की का नाम भी नहीं लिया जाता। गोपाला, कह दी इस लड़की को मैं सिर्फ मलम देने आई थी। सरकारी भाई, ये तो मलम लगाने आई है। लगाएगा कौन, मैं सिर्फ देने आई थी। देने आई है, मुझे किसी की मलम की जरूरत नहीं। इन्हें मलम की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं तो नहीं। अरे हल्दी और प्याज से कब तक जख्म भरेगा? और मैं एक बात कह देती हूँ, गोविंदा जैसे जानवर से दुश्मनी लेने की कोई जरूरत नहीं, कह दे इसे। बोला सरकारी भाई। गोपाला, इसे कह दे मुझे किसी की सलाह की भी जरूरत नहीं। संदो बहन। लो, इसमें सलाह की क्या बात है? अरे मैं तो अक्ल की बात करूँ, अक्ल की। ये शहर नहीं, गांव है, गांव, और वो भी जानवर से भरा। अरे कह दी इसे अपनी गीता और समाज सुधार को एक थैली में लपेट कर शहर भेज दे तो ही अच्छा है। मैं तो इसके अच्छे के लिए बोलती हूँ, वरना मैं बोलती हूँ क्या? आज तक बोला है क्या? और मुझे बोलने की जरूरत भी क्या है? अरे तू ही बोला गोपाला, अरे बोला। सरकारी भाई, मुझे किसी की हमदर्दी की भी जरूरत नहीं। बोल इसे। चंदो बहन, हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। अरे हम होते कौन है? इसे तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो इसे गाली दे, नफरत करे, बैल के नीचे मारने की कोशिश करे, वही लोग अच्छे लगते हैं ना? पूछ ना, पूछ इसे। सरकारी भाई, संदो बहन, सरकारी भाई, मुझे किसी से कुछ पूछना वूछना नहीं, मैं चलता हूँ। गोपाल उस पागल से कह दे कि मेरा दिमाग ना चाटे। क्या कहा, पागल? हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ जो सारा गाँव ढूंढ कर मालूम लेके आई हूँ। ठीक ही तो कहते हैं लाला, इस गाँव में किसी का भला करना श्राप है, श्राप। मैं दिमाग चाटती हूँ, मैं पागल हूँ। अरे आज के बाद अगर इस गली से गुजरी तो संदो मेरा नाम नहीं, समझा क्या? कमाल है यार, ये तो जबरदस्ती का झगड़ा हो गया। गोपाला, झगड़ा तो वही करते हैं जो प्यार करते हैं। ये मलहम मेरे सखम के लिए नहीं, मेरे दिल के लिए। अरे बाहर में जाए तेरा दिल, मुझे किसी के दिल की जरूरत नहीं, समझा? मुझे किसी मलहम की जरूरत नहीं। सरकारी भाई, उठो सरकारी भाई, चोरी हो गई, चोरी। चोरी? हाँ, चोरों के इस गांव में भी चोरी हो गई। वो देखो सब लड़के रपट लिखाने आए। दारोगा सब गजब हो गया, पुरानी हवेली में आजा चोरी हो गई। हाँ, चोरी हो गई। पुरानी हवेली में चोर का कुछ पता चला? शायद उसी घर में छुपा होगा। अब जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए। जल्दी करो सरकारी भाई, इस पुलिस चौकी में पहली बार कोई रपट लिखाने आया है, इज्जत का सवाल है। चलो मेरे साथ। पता नहीं क्या क्या चोरी हो गया, जल्दी कीजिए ना। सुन लिया, चोरी हुई, कोई याद तो नहीं लगी? कहाँ है घर? ये रहा। ना बाबा, हमें तो डर लगता है, आप ही जाइए। कोई बात नहीं, जाइए ना।